श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको पंडिपदी मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान तरीके से बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। कल है 20 जनवरी, दिन है शिवरात्रि का। माघ के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि का अपना एक अलग ही महत्व है। माघी शिवरात्रि को किए जाने वाले 10 उपाय लेकर आए हैं गुरु जी। पंडिपदी मिश्रा जी के द्वारा बताए गए 10 उपाय हैं जिसमें मनोकामना पूर्ति, धन व्यापार व्यवसाय से जुड़े रोग मुक्ति उपाय लेकर आए हैं। पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति उपाय। 12 महीने शिवरात्रि आती है, माघ की शिवरात्रि पर आपको ये उपाय करना है। आसान सा उपाय है, आपको सफ़ेद फूल लेना है। सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों को ले लेना है और उससे शाम के समय, प्रदोष काल के समय शिवलिंग का शिवरात्रि के समय श्रृंगार कीजिए। पूरी शिवलिंग का, पूरी जलाधारी का, पूरी सफ़ेद पंखुड़ियों से आप उसको सजा दीजिए, श्रृंगार कर दीजिए। दोष काल के समय कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए। अपनी कामना करके श्रृंगार करते चलिए। एक एक पंखुड़ियाँ अच्छे से जमाइए, सजाइए। गुरुजी ने बताया कि जिस तरीके से आप शिवलिंग का, जलाधारी का श्रृंगार करते हैं वैसे ही महादेव आपके जीवन का श्रृंगार करते हैं। आपके जीवन में चल रही जो समस्याएं हैं, बाधाएं, मुश्किलों को हर लेते हैं महादेव। अगला दूसरा उपाय है, यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, अदालत से पीछा ही नहीं छूट रहा है, प्रशासनिक कार्य चल रहा है, उससे आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, शिवरात्रि के दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वहीं की मिट्टी उठाकर एक पार्थिव लिंग बना लेना है। पार्थिव शिवलिंग को बनाने के बाद उसमें थोड़ी सी काली तिल के दाने आपको समर्पित कर देना है। अपने मन की कामना करके भाव व्यक्त करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ काली तिल आपको समर्पित करना है। इस काली तिल समर्पित कर देने के बाद आपको वहीं पर उसी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। जल डाल दीजिए और उसका विसर्जन कर दीजिए। आपको 2-3 शिवरात्रि ये उपाय करना है, मतलब हर महीने शिवरात्रि आती है जिसमें से आपको 2 या 3 शिवरात्रि में ये उपाय करना है। इस बात का ध्यान रखिए, रात्रि में आपको ये उपाय नहीं करना है, प्रदोष काल के समय करना है जब सूर्य अस्त होने वाला रहता है और हल्का उजाला भी रहता है, उस समय आपको ये उपाय करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया अगला तीसरा उपाय है, यदि आपके घर में शांति नहीं है, क्लेश है, परिवार के सदस्यों की आपस में जमती नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ प्रवृत्ति के लोग हैं, तो आपको क्या करना है, 7 लौंग लेना है। 7 लौंग आपको ऐसी लेना है कि जिसमें फूल पूरे तरीके से बने हुए होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको 7 लौंग ले लेना है, थोड़ी सी काली तिल ले लेना है और 1 काली मिर्च लेना है। आपको अपने हाथ की हथेली में रखना है। शिवरात्रि के दिन आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन जाइए, 7 लौंग लीजिए, काली तिल लीजिए और 1 काली मिर्च लीजिए। अपना नाम और गोत्र बोलकर शंकर भगवान की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ समर्पित कर दीजिए। आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा, घर में शांति का वातावरण रहेगा। अगला चौथा उपाय है, गुरुजी पंडिपदी मिश्रा जी के द्वारा बताया गया है, हर महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने जो भी शिवरात्रि आती है, एक नियम बना लीजिए। आपको 3 जगह दिया लगाना है, 1 बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दिया लगाइएगा, 2 शंकर भगवान के मंदिर के अंदर दिया लगाइए या चौखट पर लगा दीजिए और 3 दिया आपको आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना है। जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दिया लगाएं तो लंबी बाती का दिया लगाइएगा, शंकर भगवान के मंदिर के अंदर लगा रहे हैं तो गोल बाती का दिया लगाइएगा और आंवले के वृक्ष के नीचे लगाएंगे तब भी आपको लंबी बाती का दिया लगाना है। आप प्रणाम कर माता लक्ष्मी और पार्वती का नाम लेकर दिया लगाना शुरू कर देना है। आपके घर में माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा रहेगी, आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे, मनोकामना पूर्ति का ये विशेष उपाय है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया अगला 5वां उपाय है, शिवरात्रि के दिन किया जाने वाला खास उपाय है। यदि आपको किसी बड़ी बीमारी ने घेर रखा है, आपको रोग घेरे रखते हैं, तो आपको क्या करना है, शिवरात्रि के दिन अशोक सुंदरी माता के स्थान पर 1 बेलपत्र चढ़ाना है। 1 बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बेलपत्र के लास्ट का जो डंठल है उसको तोड़ने के बाद आपको वो बेलपत्र अर्पित करनी, बेलपत्र को आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर उल्टी अर्पित करनी है और जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारे की ओर ही रखें। इस तरीके से आपको 1 बेलपत्र अर्पित करनी है। फिर 1 लोटा जल लीजिए, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, अपने रोग का व्याख्यान करना है, वर्णन करना है और वो 1 लोटा जल धीरे धीरे धार से अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको चढ़ाते जाना है। जलाधारी से आ रहे जल को अपने जल कलश में झेल लीजिए और उस जल का आचमन उस व्यक्ति को करा दीजिए जो रोगों से ग्रसित है। जल का आचमन करते समय भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अगला 6वां उपाय है जो कि धन प्राप्ति उपाय है। शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है, 1 कलश जल लेना है, उसमें आपको 1 बेलपत्र डाल लेना है और 1 अक्षर डाल लेना है। साबुत चावल का दाना आपको 1 डाल लेना है और वो जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर चढ़ाइएगा, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाइएगा,
फिर बीच में जो मोटी लाइन होती है अशोक सुंदरी माता का स्थान है, वहां पर उस जल को समर्पित कीजिएगा। इसके बाद जो गोल कटी भाग है माता जगदम्बा पार्वती के हस्त कमल है, वहां पे वो जल समर्पित कीजिएगा। फिर पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। धन प्राप्ति का ये आसान सा उपाय है। बढ़ते हैं सातवें उपाय की तरफ। इस उपाय में आपको क्या करना है, शिवरात्रि के दिन शाम के समय आपको पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए आपको ऐसी जगह की ऐसे भाग की मिट्टी लाना है जहाँ पे किसी ने कोई गंदगी ना की हो, पवित्र भाग होना चाहिए। मिट्टी लाने के बाद उसे शुद्ध जल से या पवित्र नदी के जल से आपको उस मिट्टी का सिंचन करना है। यदि आपके पास पवित्र नदी का जल जैसे नर्मदा गंगा यमुना का जल नहीं है आपके पास, तो आप दूध से भी उस मिट्टी का सिंचन कर सकते हैं। जरा सा दूध ले लीजिए, उससे भी सिंचन कर दीजिए, या अपने पास जो भी जल है उसमें आपको एक बेलपत्री डुबो लेना है और उस जल से उस मिट्टी का सिंचन करना है। सुबह के समय आपको मिट्टी गला के रख देना है। इसके बाद आपको रसोई घर में एक कलश जल रखना है और उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए जिसमें एक चावल का दाना रख देना है। मटके परिंदे के पास थोड़ी देर रखे रहने दें, एक घंटा दो घंटा। रसोई घर में अन्नपूर्णा माँ का निवास होता है, मटके के पास पितरों का निवास होता है, इसलिए पूरे घर में साफ सफाई करो या ना करो पर रसोई घर में सफाई अवश्य ही होनी चाहिए। 33 कोटि देवी देवता एक क्षण के लिए जरूर आते हैं। जो जल कलश आपने रसोई घर में भरकर रखा है उसी जल कलश से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जब आप वो जल मिट्टी में डालते हैं तो उससे अन्नपूर्णा का भाव आता है, पितरों का भाव आता है, लक्ष्मी का धन संपदा का भाव आता है, पूरे 33 कोटि देवी देवता का आनंद उसमें समाहित हो जाता है। तब वो मिट्टी कैलाशपति के स्वीकार करने के लायक हो जाती है, मिट्टी पवित्र हो जाती है। जब आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करेंगे तो सबसे पहले आपको नीचे एक पात्र में बेलपत्र रखनी है, फिर उसके ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने के बाद जो चावल का दाना है वो शिवलिंग के ऊपर आपको रख देना है। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग की आप पूजा विधि कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके सारी चीजें अर्पित कीजिए, दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत। पूरी पूजा विधि करने के बाद आपको विसर्जन विधि जरूर करना है। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमेशा अपनी कथाओं में बताते हैं कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने से आपके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं घेरती है और घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। घर की सभी समस्याओं के निवारण के लिए, घर में सफलता के लिए, घर में धन संपदा उन्नति के लिए पार्थिव शिवलिंग निर्माण विधि जरूर करना चाहिए। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया आठवा विशेष उपाय है। यदि आपको रोगों ने घेर रखा है, बीमारियों ने घेर रखा है, तो आपको क्या करना है, 7 बेर लेना है। 7 बेर ले लीजिए और अपने ऊपर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अपने ऊपर से जब आप घुमाएंगे तो आपको 7 बार घुमाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोपहर 12 बजे आपको वो 7 बेर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। रोग मुक्ति का ये विशेष उपाय है। अगला नवा उपाय है, यदि आप सफलता चाह रहे हैं, यश प्राप्ति चाहते हैं। अब शिवरात्रि के दिन शाम के समय भोले बाबा का अच्छा श्रृंगार हो चुका होता है। आप देखते हैं कि बेलपत्री भी चढ़ी है, श्रृंगार सामग्री सारी, शंकर भगवान भोले बाबा अच्छे सजे हुए हैं। तब आपको क्या करना है, एक माला लेना है, वो माला त्रिशूल पे चढ़ा देना है। शंकर भगवान की शिवलिंग के पास जो त्रिशूल लगा होता है, रखा होता है, उसमें आपको वो माला या तो आप पंडित जी से कहकर समर्पित करवा दीजिए या आप खुद भी जाकर समर्पित कर सकते हैं। ये यश प्राप्ति देती है। अगला दसवां उपाय है, यदि आपको शरीर में कहीं गांठ हो गई है, शरीर में आपको कहीं भी यदि गांठ हो गई है, आपको लग रहा है कि ये गांठ है और कोई बड़ी बीमारी का संकेत है, तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र ऐसे लीजिएगा जो कहीं से भी खंडित ना हो, वो शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। डंडी का मुख जलाधारी की ओर रखें, इस तरीके से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। फिर एक लोटा जल शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जब आप वो जल झेलें, जो जल जलाधारी से नीचे आ रहा हो, अपने हाथ में आपको वो जल झेल लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कहकर उस जल को झेल लीजिए और जो शिव जी पर चढ़ी बेलपत्र है वो निवेदन करके औषधि रूप में प्राप्त कर लीजिए और बेलपत्र और जल लेकर आपको मंदिर के बाहर प्रांगण में आ जाना है। इसके बाद शंकर भगवान के जो गण होते हैं उनमें से एक है मणिभद्र। मणिभद्र का नाम लेकर आपको मंदिर के बाहर बैठकर उस बेलपत्र का और जल का आचमन कर लेना है। मणिभद्र शंकर भगवान के द्वार पर बैठे होते हैं तो उनका स्मरण जरूर कीजिएगा। और जब आप बेलपत्र खाएं तो डायरेक्ट आपको सीधी बेलपत्र नहीं खाना है, सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड वाली पत्ती को खाना है, फिर राइट साइड वाली पत्ती को खाना है, फिर जो बीच वाली पत्ती है उसको सबसे आखिरी में खाइएगा। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, समस्या ज़्यादा है, तो शिवरात्रि के दिन तो आपको ये उपाय करना ही है। इसके अलावा आप हफ्ते में 2 बार ये उपाय कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगी कि जब जिंदगी में थोड़ा दुख हो, तकलीफ हो, तो किसी से कुछ मत बोलो,
बस महादेव के सामने जाकर बैठ जाओ, प्रसन्नता की मुद्रा में जाकर बैठ जाओ। भले ही आप मुख से कुछ मत बोलो, कुछ भी मत कहो, मौन रहो, महादेव सब समझ लेंगे। इन सभी उपायों को लेकर यदि मन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपके किए गए सवालों का जवाब जरूर ही दूंगी। अगर वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।